हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपनी ज्योमेट्री सीरीज चल रही है। ज्योमेट्री के अंदर मैंने आपको एक चैप्टर था आपका ट्रायंगल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर जितनी भी आपकी थ्योरी हो सकती है, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, जितने भी आपके सेंटर थे और जितनी भी इसकी बेसिक थ्योरी थी, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं अभी क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, यानी कि चतुर्भुज होता क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। यानी कि चतुर्भुज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये सम चतुर्भुज है या एक आयत है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ एक चतुर्भुज है, ओनली क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। देखिए, पहली बात तो होता क्या है ये, इसके बाद बात करते हैं। देखिए, कोई भी चार भुजाओं से बंद कोई भी क्रियाकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। आप सब जानते हो ये बात है। ठीक है, चार भुजाओं से बंद आकृति को, ठीक है, क्या कहते हैं, एक चतुर्भुज कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। दूसरी बात, इसके चारों कोणों का योग, इसको अगर मैं ए बी सी डी मान लूँ, तो ध्यान रखना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, पहली दूसरी बात, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, अगर आपका ये चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है तो ये होता क्यों है। जैसा कि मैंने आपको ट्रायंगल में बताया था, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 होता है तो वो क्यों होता है, ये चीज़ मैंने आपको ट्रायंगल वीडियो में आपको समझाई थी। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 क्यों होता है। ठीक है, देखिए, अगर मैं इसको इसके विकर्ण को मिला दूँ, अगर मैं इसके विकर्ण को मिला दूँ AC को, तो ध्यान करना इसमें दो ट्रायंगल बनेंगे। अगर दो ट्रायंगल बनेंगे तो एक ट्रायंगल आपका होता है 180 डिग्री, दूसरा ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। ध्यान रखना टोटल कितना हो गया आपका 360। तो ध्यान रखना एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा आपका 360 होगा। क्यों, एक चतुर्भुज के अंदर आपके दो बनते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो इसलिए आपका इसका जो चारों कोणों का योग होगा वो कितना होगा, इसका 360 डिग्री होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, एक चीज़ उसमें याद रखना, ये तो बात इसके इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 होगा। अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होगा, हमेशा 360 होगा। दूसरी बात इसमें याद रखना आपका, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो भी कितना होगा, 360 होगा। ध्यान रखना किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल तो हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगर आकृति तीन है, चार है या पाँच है, तो इनके ट्रायंगल के जो इनके कोण होंगे, टोटल जो सम होगा इनका, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना एक्सटीरियर एंगल जो होंगे, यानी कि बाह्य कोणों का जो योग होगा, हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा, चाहे कोई सी भी आकृति हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो या षष्ठभुज हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है छोटी मोटी एग्जाम के अंदर, कि ये बताइए कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसके अंतः कोणों का योग व बाह्य कोणों का योग बराबर होता है। ऐसा क्वेश्चन एक बन सकता है, एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके बन सकता है कि अंत ऐसी आकृति का नाम बताइए जिसके अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग बराबर होता है। तो ध्यान रखना वह कौन सी आकृति आपकी, क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज। ठीक है, देखिए इतना आपने बेसिक पढ़ लिया इसके अंदर, अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालते हैं। अब आप बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि होता क्या है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, ये चतुर्भुज है आपका ए बी सी और डी, आपका एक चतुर्भुज है ए बी और सी और डी। ठीक है, इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वही विकर्ण खींचा आपका ए बी, मैंने एक विकर्ण खींचा आपका बी डी, विकर्ण मैंने बी डी खींचा। और ध्यान करना, अगर मैं विकर्ण की लेंथ मान लूँ आपकी, कितनी मान लेता हूँ, अगर मैं ए मान लूँ विकर्ण की लेंथ, अगर मैं ए मान लूँ और मैं क्या करता हूँ, सी बिंदु से इस पर क्या डाल दूँ, लंब डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, यानी कि एक लंब डाल देता हूँ। उसकी लेंथ अगर मैं H1 मान लूँ, ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ आपका CDB या BCD ट्रायंगल ले रहा हूँ, उसके अंदर मैंने C पॉइंट से एक सामने वाली साइड पर क्या खींचा, मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, यानी कि एक लंब खींचा। ठीक है, उसकी डिस्टेंस मैं मान रहा हूँ कि H1। वैसे ही अगर मैं
ट्रायंगल बात करूं ए बी डी की, तो मैंने क्या करा इसके वर्टेक्स ए से, वर्टेक्स यानी शीर्ष, शीर्ष ए से मैंने इसके सामने वाले साइड पर मैंने एक क्या खींचा परपेंडिकुलर खींचा, यानी कि एक क्या खींची मैंने लंब खींचा, ठीक है। उसको नाम दिया मैंने हाइट टू, यानी कि एस टू नाम दिया, ठीक है। और बेस दोनों का क्या है सेम है। अब देखिए आप लोग, अगर मैं बात करूँ इसका एरिया निकालने की, तो एरिया कैसे निकाल पाएंगे वो सी सीखना है एक बार आप। देखिए मैं बात करता हूँ सी डी बी की, ट्रायंगल सी डी बी की बात करूँ मैं, ट्रायंगल सी डी बी प्लस एंगल ए बी डी, ए बी डी अगर मैं इन दोनों को सम कर दूँ, अगर मैं इन दोनों को सम कर दूँ तो क्या मैं चतुर्भुज ए बी और सी डी का एरिया निकाल सकता हूँ क्या? ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ सी डी बी की, अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, एक बटे दो इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना है, इसका बेस है कितना बी डी, इसका बेस कितना है आपका बी डी, जिसको मैंने क्या माना है मैंने ए माना है, ठीक है। इंटू हाइट कितनी है इसकी एच वन, ठीक है। प्लस आगे देखना, मैं बात करता हूँ त्रिभुज ए बी डी की, ध्यान करना फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक बटे दो बेस, अब बेस इसका कितना है, बेस वही लेना है आपको ए, और हाइट कितनी है इसकी एच टू, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, अब देखिए इसमें से एक बटे दो और एक कितना आ रहा है ए, ये कॉमन आ रहा है, और साथ में एच वन प्लस एच टू ये आ गया। तो ध्यान करना, अब किसी भी चतुर्भुज के, किसी भी चतुर्भुज के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक बटे दो इंटू बेस प्लस दोनों की हाइट, यानी कि एच वन प्लस एच टू। तो इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है, कोई भी चतुर्भुज दे रखा है आपको, और इसकी लेंथ दे रखी है आपको एल और एक दे रखी बी, लेंथ दे रखी है एल और बी दे रखी है, या कोई भी साइड दे रखी है आपको, ध्यान रखना अगर इसकी हाइट आपको पता है, ये तो आपकी कोई साइड है कुछ ही मान लो आप, ये साइड कुछ भी हो सकती है, अगर आपको लेंथ पता है और उसका अगर आपको उसमें क्या है उसकी हाइट अगर पता है आपको, तो ध्यान रखना इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा वो होगा एल इंटू बी, एल इंटू बी होगा, एल इंटू एच सॉरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। दूसरी बात, ये तो था आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर साइड नहीं दे रखी है, मैं आपको जितने तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। देखिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, इसका एरिया और कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैंने चतुर्भुज बनाया आपका ए बी सी डी, चतुर्भुज बनाया मैंने ए बी सी और डी, अगर इसका आपको एरिया निकालना है और आपको कोई भी साइड नहीं दी गई है, साथ में आपको दिए गए हैं इसके विकर्ण, आपको विकर्ण दिए गए हैं ए सी और बी डी, आपको विकर्ण दिए गए हैं ए सी और बी डी, अगर आपको विकर्ण दिए हुए हैं और इनको अगर मैं लेंथ मान लूँ, फर्स्ट विकर्ण की लेंथ आपकी डी वन मान लेता हूँ, सेकेंड की मैं डी टू मान लेता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपके विकर्ण हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए सी बराबर है आपका डी वन और बी डी, ए सी बराबर मान लेता हूँ मैं डी वन और डी टू, और बी डी पर मान लेता हूँ मैं कितना डी टू, दो विकर्ण दे रखे हैं, अगर आपको दो विकर्ण दे रखे हैं डी वन और डी टू, उसका एरिया कैसे निकालना है वो चीज़ सीख लिया आप लोग, ठीक है। अगर आपको चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया निकालना है तो ध्यान रखना फॉर्मूला क्या होता है उसका, एक बटे दो डी वन इंटू डी टू और साइन थीटा, बीच में एंगल कौन सा आएगा हमेशा साइन थीटा आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और थीटा कौन सा लेना है आपको, ये वाला, जहाँ पर दोनों विकर्ण दोनों डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में काटते हैं, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो वाला एंगल आपको लेना है, कौन सा, एक बटे दो डी वन इंटू डी टू इंटू साइन थीटा। तो इस तरीके से अपन, अगर आपको विकर्ण गिवन है, विकर्ण दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आप चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया निकाल सकते हैं। देखिए जैसा आपके आपको मेरा तरीका पता है पढ़ाने का, मैं कोई भी चीज़ आपको बताता हूँ तो आपको हर चीज़ प्रूव करके दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सीधी सीधी रटवा देता हूँ। तो इस चीज़ का हम एक बार पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, ये फॉर्मूला आया कैसे वो मैं यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने साइड मान लिया एक बार, ठीक है, मैं इसको लेता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इस साइड को मान लेता हूँ एक्स, सॉरी ए मान लेता हूँ एक बार, इसको अगर मैं बी मान लूँ, इसको अगर मैं सी मान लूँ, इसको अगर मैं डी मान लूँ, और अगर ये एंगल थीटा है आपका तो ये कितना होगा आपका 180 माइनस थीटा होगा, क्यों, एक स्ट्रेट लाइन में बना एंगल कितना होता है आपका 180, तो अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, वैसे ही अगर ये थीटा है इसके सामने वाला कितना होगा आपका थीटा होगा, क्यों, शीर्षावी कोण है अपोजिट एंगल है, वैसे ये भी क्या है आपका अपोजिट एंगल है, तो क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए
एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी त्रिभुज के एरिया निकालना है, अगर आपको किसी भी त्रिभुज के एरिया निकालना है, विषमबाहु त्रिभुज एरिया निकालना है आपको, तो आप कैसे निकाल पाते हो? अगर आपको ये साइड पता है ए, ये साइड पता है बी, इसका अगर एरिया निकालना है, अगर ये एंगल दे रखा है थीटा, तो कैसे निकालते हैं इसका एरिया? एक बटे दो, त्रिभुज के एरिया कैसे निकालते हैं? एक बटे दो इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्या कह रहा हूँ आपको, फिर देखिए, अगर आपको किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना है तो कैसे निकालते हैं? दोनों की साइड प्लस उनके बीच का एंगल, यानी कि इंक्लूडेड एंगल आपको लेना है, उनके बीच का एंगल लेना है, दूसरा एंगल नहीं लेना है, और साइन थीटा लेना है, ठीक है? एक बटे दो ए बी इंटू साइन थीटा। तो इस तरह से हम ट्रायंगल वगैरह निकालते हैं। तो देखिए, वैसे अगर मैं बात करूँ इसको, अगर मैं ओ पॉइंट दूँ, अगर मैं इसको ओ पॉइंट दूँ, तो देखिए मैं बात करता हूँ त्रिभुज सी ओ डी की, अगर मैं बात करूँ तो इसका एरिया कितना होगा आपका? इसका एरिया होगा, देखिए त्रिभुज सी ओ डी, उसके बाद लेता हूँ मैं एक बार सी ओ बी, एक बार लिख लेता हूँ पहले सी ओ बी, उसके बाद त्रिभुज ए ओ बी प्लस त्रिभुज ए ओ डी। अगर मैं इन सारे त्रिभुजों को अगर एरिया जोड़ दूँ तो आपको पता है किसका एरिया आ जाएगा आपका? चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। किसका एरिया आ जाएगा आपका? चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। अब देखिए, अगर मैं सी ओ डी की बात करूँ, त्रिभुज सी ओ डी की अगर बात करूँ, तो देखिए एक बटे दो मैं क्या ले सकता हूँ? साइड ए और साइड बी, यानी कि ए बी और बीच में एंगल कौन सा? साइन थीटा। प्लस अगर मैं सी ओ बी की बात करूँ, सी ओ बी की अगर मैं बात करूँ, तो क्या आएगा इसका एरिया? एक बटे दो इंटू, देखिए साइड कौन सी है? बी और सी, बी सी, और साइन कितना आएगा आपका? साइन आएगा आपका 180 माइनस थीटा, ठीक है? वैसे ही अगर देखिए मैं बात करूँ ए ओ बी की, त्रिभुज ए ओ बी की बात करूँ, तो क्या आएगा आपका? साइड देखिए कौन सी है आपकी? सी और डी, सी और डी और साइन थीटा। वैसे ही आपका एक त्रिभुज बचता है, कौन सा बचा रहा है आपका? ए ओ डी। ए ओ डी की अगर मैं बात करूँ तो साइड कितनी है इसकी? ए और डी इंटू साइन 180 माइनस थीटा। अब एक चीज़ याद रखना आपको, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है आपका? कितना होता है बताइए? साइन थीटा होता है। क्यों होता है? ये जब आपका सेकंड क्वाड्रेंट जाता है ये, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 19 इंटू टू, ठीक है, ये जाएगा आपका सेकंड चतुर्थांश के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ध्यान रखना साइन हमेशा पॉजिटिव होता है और साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है? तो अब देखते हैं, इसमें रखते हैं हम एक बटे दो इंटू ए बी साइन थीटा और एक बटे दो बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं हम? साइन थीटा बी सी साइन थीटा प्लस एक बटे दो सी डी साइन थीटा और प्लस एक बटे दो ए डी साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आप लोग, अगर मैं इन दोनों त्रिभुज की बात करूं और अगर मैं बी और बी यहाँ से कॉमन ले लूं, तो देखिए एक बटे दो और साइन थीटा, एक बटे दो बी साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा यहाँ पर? देखिए ए प्लस क्या बचेगा? ए प्लस बचेगा सी। वैसे देखिए अगर मैं इस त्रिभुज में इस त्रिभुज की बात करूं, तो क्या कॉमन आ जाएगा आपका? एक बटे दो इंटू डी और साइन थीटा का कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर? ए प्लस सी बचेगा, ठीक है, ये बचेगा पास। वैसे ही अगर दोनों में ए प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ? एक बटे दो बी साइन थीटा तो आ रहा है साथ में, ठीक है, और ए प्लस सी क्या आ रहा है आपका? कॉमन आ रहा है। अब आप देखिए कि ए प्लस सी क्या है, देखिए ए प्लस सी क्या है आपका, और यहाँ पे बी प्लस डी भी तो है, एक मिनट, देखिए ये एक बटे दो, ये कितना आएगा? बी साइन थीटा और डी साइन थीटा है, तो यहाँ देखना एक क्या लिख सकते हैं हम? बी प्लस डी साइन थीटा, ठीक है, लिख देंगे, और ए प्लस सी, और ये कितना है? ए प्लस सी कॉमन आ जाएगा ना यहाँ पर, ये और इंटू लिख देंगे साइन थीटा। अब देखिए आप लोग बी प्लस डी की जगह क्या लिख सकते हैं आप लोग? बी प्लस डी, देखिए आप लोग बी प्लस डी यानी कि ए सी, और ए सी का मान कितना है आपका? डी वन, एक बटे दो इंटू डी वन इंटू, देखिए ए प्लस सी कितना है आपका? ए प्लस सी तो आ गया डी वन, और बी प्लस डी, देखिए बी प्लस डी कितना है आपका? सी और ए, यानी कितना है आपका? डी टू और साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया, आया कैसे वो तो मैंने आपको बता दिया है, बाकी ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो और आपका ज्योमेट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ने लगे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया है। बाकी आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, इतना आपको वहाँ एग्जाम में सोल्व नहीं करना है। अगर आपको विकर्ण दे रखें और उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक बटे दो डी वन इंटू डी टू इंटू साइन थीटा, ये आपका क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है,
ठीक है। देखिए अगली बार, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं इसके थर्ड पॉइंट की, जो भी अगला पॉइंट है आपका देख लेना आप लोग, अगर एक चतुर्भुज आपका ए बी सी डी, ध्यान करना चतुर्भुज कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है ये, ठीक है। अब देखिए, अगर दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर काटे, यहाँ पर लिखता हूँ कंडीशन, इफ बोथ डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, अगर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर आपस में इंटरसेक्ट करें, ठीक है, तो ध्यान करना आपकी जो, अगर मैं इसको ओ पॉइंट मान लूँ तो याद रखना एक कंडीशन क्या बनेगी आपकी, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर होगा इसके बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, कब, अगर दोनों विकर्ण, ये ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, अभी आया कैसे वो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूँ त्रिभुज कौन सा सी ओ डी की, अगर मैं सी ओ डी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसको मैं कह सकता हूँ, अगर ये आपका 90 डिग्री है, अगर ये आपका 90 डिग्री है तो मैं कह सकता हूँ त्रिभुज सी ओ डी के अंदर मैं क्या ले सकता हूँ, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका सी डी स्क्वायर, होगा नहीं होगा, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूँ कौन सा त्रिभुज की, ए ओ बी की, त्रिभुज ए ओ बी की अगर मैं बात करूँ तो क्या ले सकता हूँ मैं इसको, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर क्या ले सकता हूँ उसको मैं, ए बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो देखिए क्या बनेगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अगर मैं ए स्क्वायर और डी स्क्वायर की बात करूँ, ए स्क्वायर और डी स्क्वायर की बात करूँ तो ध्यान रखना ए स्क्वायर और डी स्क्वायर क्या कर रहा हूँ आपसे, फिर देखिए मैं वापस लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर और डी स्क्वायर की बात करूँ तो ए स्क्वायर और डी स्क्वायर मिलकर क्या बनाएंगे आपका, ए डी स्क्वायर बनाएंगे, ए डी स्क्वायर बना देंगे, प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर मिलकर क्या बनाएंगे, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर मिलकर क्या बनाएंगे आपके, बी सी स्क्वायर बना देंगे आपके, बराबर क्या था आपका ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी आई कैसे वो तो मैंने आपको समझा दी है, बाकी आपको ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद रखनी है आपको, ठीक है, ओके। अगला पॉइंट की बात करते हैं हम, ठीक है, आपके तीन या चार पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं इसके अंदर, जितने भी इसकी बेसिक चतुर्भुज की जितनी भी आपकी बेसिक थ्योरी हो सकती है वो हम कंप्लीट पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये कोई टॉपिक टफ होगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा या मैं उसका आपको प्रूफ नहीं बताऊंगा, मैं आपको कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं तो आपको कंप्लीट टॉपिक पढ़ाऊंगा या कंप्लीट पॉइंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें चौथा या पाँच जो भी लिख लेना आप लोग, ठीक है। देखिए अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ चतुर्भुज, अगर मैंने चित्र बनाया आपका, मैंने चित्र बनाया ए बी सी और डी, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है ये वाला, अगर मैंने चित्र बनाया ए बी सी डी, अगर मैं इनके मिड पॉइंट को मिला दूं, अगर मैं इनका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है, अगर मैं इनके मिड पॉइंट को मिला दूं क्वेश्चन क्या है कि चतुर्भुज ए बी सी डी के मिड पॉइंट से मिलकर बनी आकृति होगी। क्वेश्चन कैसे आएगा इसका कि आपको दे देगा कि एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है, उसके मिड पॉइंट को आपस में मिलाया गया है तो इनसे बनने वाली आकृति क्या होगी। ऑप्शन दे देगा आपको समांतर चतुर्भुज, ठीक है, यानी कि पैरेललोग्राम दे देगा आपको, रोम्बस दे देगा यानी सम चतुर्भुज दे देगा, एक आपका आयत दे देगा, रेक्टेंगल दे देगा, ठीक है, या स्क्वायर दे देगा, चार ऑप्शन आपको दे देगा और उसके अंदर आपको एक ऑप्शन टिक करना है। आप ये तभी टिक कर पाओगे जब आपको इसका बेसिक मालूम होगा कि आता कैसे है, ठीक है। देखिए आप हर चीज़ रट तो सकते नहीं हो तो इसलिए ध्यान रखना इसका बेसिक जानना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं इसको मान लूँ ई एफ जी और एच,
मैंने पॉइंट मान लिया ई एफ जी एच, ठीक है। देखिए आप लोग, अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि अगर एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है उसके अगर मिड पॉइंट को अगर मिलाएं, एक ट्राइंगल के अगर मिड पॉइंट को मिलाएं हम, ठीक है, मिड पॉइंट को अगर मिलाएं तो ध्यान रखना अगर ये ए बी है तो ध्यान रखना ये वाली साइड जो होगी हमेशा ए बी बाई टू होगी। क्या समझा रहा हूँ मैं, अगर ये साइड आपकी एक्स है तो ध्यान रखना ये वाली आपकी हमेशा एक्स बाई टू होगी। अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसका अगर मिड पॉइंट है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है साथ में इसका मिड पॉइंट है तो ध्यान रखना ए बी जो होगा वो क्या होगा, इसका जस्ट डबल होगा। या हम कह सकते हैं कि ये वाली लाइन होगी मिड पॉइंट से जो लाइन बनेगी वो हमेशा किसकी होगी, ए बी की क्या होगी, हाफ होगी, आधी होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं ए सी को मिला दूँ, अगर मैं ए सी को अगर मिला दूँ, ए सी को मिला दूँ, ठीक है, अगर मैंने इसमें ए सी को मिला दिया, ए सी को मिलाया तो आप देखना कि एच और जी, एच और जी क्या है, इसके मिड पॉइंट है और ये क्या है, इसका डायगोनल है, ये इसका क्या है, डायगोनल है। तो ध्यान रखना ये क्या है, इसका डी वन, इसको मैं नाम दे दूँ डी वन, ये क्या है आपका डी वन है। अगर ये पूरी ए सी क्या है, डी वन है, तो ये वाला कितना होगा आपका डी वन बाई टू होगा। क्यों होगा, मैंने क्या बताया था आपको कि ये चतुर्भुज करूँ मैं ए डी सी की बात करूँ तो ये क्या है, एक त्रिभुज है आपका, और त्रिभुज के अंदर अगर मिड पॉइंट से कोई आकृति बनती है, मिड पॉइंट से अगर कोई मिलता है बिंदु तो वो क्या होता है, उसकी आधी होती है साइड की, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। देखिए जैसे ये ए सी है और इसके मिड पॉइंट है एच और जी, तो ध्यान रखना जी एच की वैल्यू कितनी होगी आपकी, डी वन बाई टू होगी, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बी डी को मिला दूँ, अगर मैं विकर्ण, अगर मैं डायगोनल बी डी को अगर मैं मिला दूँ तो ध्यान रखना, अब बात कर रहा हूँ मैं एच ई की, एच ई भी कितना होगा, इसका विकर्ण क्या होगा, आधा होगा। ये विकर्ण कितना आपका डी टू है आपका, तो ये कितना होगा आपका डी टू बाई टू होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आया कैसे, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से मिलने वाली आकृति क्या होती है आपकी, आधी होती है। वैसे आप लोग देखिए अगर ये पूरा डी वन है, ठीक है, हाँ अगर ये डी वन है आपका, ध्यान करना अगर ये डी वन बाई टू है तो ये भी कितनी होगी आपकी, डी वन बाई टू होगी। मैंने डी वन कौन सा विकर्ण माना है, मैंने ये ए सी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए सी बराबर क्या आपका डी वन है और बी डी बराबर क्या आपका डी टू है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना आपको। ए सी जो है आपका डी वन है, अगर ये डी वन है तो ये डी वन बाई टू, ये भी कितना होगा डी वन बाई टू, क्यों, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। वैसे अगर मैं बात करूँ इसकी विकर्ण कौन सा, बी डी, अगर मैं बी डी की बात करूँ इस त्रिभुज के अंदर, देखिए आप लोग त्रिभुज के अंदर ये मिड पॉइंट है आपका ई और एच, वैसे ये जी और एफ मिड पॉइंट है, अगर ये डी वन बाई टू है, डी टू बाई टू है, ये भी कितना होगा आपका डी टू बाई टू होगा। अब देखिए आप लोग एक चतुर्भुज के आमने सामने के साइड्स बराबर हैं, अगर एक चतुर्भुज ऐसा है जिसकी आमने सामने के साइड्स बराबर हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री नहीं है, तो ध्यान रखना हमेशा वो आकृति कौन सी होगी आपकी, एक पैरेललोग्राम होगा, यानी कि समांतर चतुर्भुज होगी, क्या होगा, पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज। तो ध्यान रखना एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपका चतुर्भुज है आपका ए बी सी डी, उनके अगर मिड पॉइंट से कोई भी आकृति बनेगी तो वो कौन सी बनेगी, एक पैरेललोग्राम बनेगा, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। कुछ लोगों को कन्फ्यूज होता है कि सर यहाँ पे ये 90 डिग्री क्यों नहीं है, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये एक आयत भी बन सकता है, क्योंकि आयत के अंदर भी तो आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। तो ध्यान रखना आयत के अंदर आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना उनका प्रत्येक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आमने सामने की साइड्स तो बराबर हैं, लेकिन क्या ये एंगल 90 डिग्री है, क्या नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री है, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ध्यान रखना एक पैरेललोग्राम होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। अगर अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि विकर्ण अगर 90 डिग्री पर काटते, क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज कर दे कि विकर्ण अगर 90 डिग्री पर काटते हैं और फिर अगर मिड पॉइंट मिलते हैं तो वो आयत होगी, क्या समझा रहा हूँ मैं, अगर ये विकर्ण 90 डिग्री पर काटते तो ध्यान रखना तब जाके ये क्या बनती है आपकी, एक आयत बनता, अदरवाइज ये बनेगा आपका पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज बनेगा आपका, ठीक है। तो इतना आपको उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इसके अंदर तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, मैंने डायग्राम बनाया आपका चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी चतुर्भुज के जितने भी आपके छोटे छोटे पॉइंट हो सकते हैं मैं सारे यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोई भी टॉपिक छूटेगा आपका। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको बी ए को आगे बढ़ाया, वैसे मैंने क्या करा सी डी को क्या बढ़ाया, मैंने आगे बढ़ाया, क्या समझा रहा हूँ मैं आपको,
एक चतुर्भुज था ए बी सी डी, मैंने क्या करा दो साइड्स थी इनकी ए और सी, शीर्ष ले लिया मैंने, वर्टेक्स लिए ए और सी, इनको मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अगर ये एंगल आपका एक्स है तो ये एंगल कितना है आपका वाई मान लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है। ठीक है, और ये एंगल मान लेता हूँ मैं पी मान लेता हूँ उसको, इसको मान लेता हूँ मैं क्यू एंगल। ठीक है, तो ध्यान रखना एंगल ए प्लस एंगल क्यू ये बराबर होगा किसके, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई के। बाह्य कोणों का योग हमेशा किसके बराबर होगा, इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। जिस चीज़ आपको ध्यान रखनी है आया कैसे वो तो मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। देखिए आप लोग आया कैसे वो चीज़ हम समझ लेते हैं एक बार। देखिए ये एक्स है, ये कितना है आपका, मैं एक बार मान लेता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम कितना होता है आपका 180 होता ही नहीं होता। ठीक है, अब देखिए आप लोग अगर एंगल एक्स और ये एंगल वाई, ठीक है, अगर ये एंगल पी है तो ये कितना होगा आपका 180 माइनस पी होगा। ऐसे ये एंगल आपका क्यू है, ये कितना होगा आपका 180 माइनस क्यू। देखिए एंगल अगर बात करूँ मैं ए की तो एंगल ए कितना आपका 180 माइनस पी, प्लस एंगल बी कितना आपका, एंगल बी है आपका वाई, एंगल सी कितना आपका 180 माइनस क्यू है आपका। ठीक है, प्लस एंगल डी कितना आपका, एंगल एक्स है, बराबर कितना रखा आपका 180। यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो देखिए सॉरी टोटल सम कितना होता है इनका 360। ठीक है, 360 डिग्री होता है। देखिए 180 और 180 ये आपस में कट जाएगा, और देखिए यहाँ पर देखेंगे आप वाई और एक्स, एक्स और वाई को हम यहीं रखेंगे और क्या करेंगे ये पी वाला और एक क्यू वाला ये माइनस के उसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा ये पी प्लस क्यू, तो आप उसमें बराबर आ गई। आया कैसे वो तो मैंने आपको समझा दिया, बाकी ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है इस चीज़ का। ठीक है, अब देखिए इसमें एक लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं हम कि चतुर्भुज के अंदर मैंने बनाया चतुर्भुज ए बी सी डी। अभी जो पॉइंट बढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये क्या है पा डी है। देखिए अगर मैं सी का एंगल बाइसेक्टर खींचूं, अगर मैं सी का एंगल बाइसेक्टर और बी का एंगल बाइसेक्टर, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मैं सी का एंगल बाइसेक्टर और डी का एंगल बाइसेक्टर में अगर खींचूं, ठीक है, अगर मैं सी का एंगल बाइसेक्टर और डी का एंगल बाइसेक्टर खींचूं, ठीक है, उसको नाम दूं मैं ओ पॉइंट, उसको अगर मैं ओ पॉइंट दूं तो हमेशा याद रखना एंगल सी ओ डी जो होगा क्या होगा आपका एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू होगा। क्या समझा रहा हूँ मैं, देखिए ये एंगल आपका सी का एंगल बाइसेक्टर है, ये क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर। मैं लिख देता हूँ इफ सी एंड डी आर एंगल बाइसेक्टर देन आपको फाइंड आउट करना है क्या सी और डी। ठीक है, क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, सी और डी ये क्या है आपके एंगल बाइसेक्टर है, तो आपको सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो सी और डी क्या होता है, एंगल ए बाई टू प्लस बी बाई टू होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आया कैसे वो तो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। फिर देखिए जैसा आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इनका सम कितना होता है 360 होता है। ठीक है, सबको पता है वह, अगर मैं इनका आधा कर दूँ दो का भाग लगा दूँ सब में, ध्यान करना ए वाई टू प्लस एंगल बी वाई टू प्लस एंगल सी वाई टू प्लस एंगल डी वाई टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग एंगल सी आपका मान लीजिए सी है, ठीक है, और ये क्या है इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कितना होगा आपका एंगल सी वाई टू होगा, और ये भी एंगल सी वाई टू होगा। मैंने आपको समझाया था कि एंगल बाइसेक्टर के अंदर यानी कि इन सेंटर के अंदर कि होता क्या है आपका, ये बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वली पार्ट्स में क्या करता है, ये डिवाइड करता है, तो मैंने एंगल सी को क्या कर दिया आधा आधा कर दिया, वैसे ही ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये अगर डी वाई टू है तो ये भी डी वाई टू होगा आपका। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ त्रिभुज सी ओ डी की, अगर मैं बात करूँ तो आप बताइए सी ओ सी वाई टू प्लस एंगल डी वाई टू प्लस एंगल कौन सा सी ओ डी इनका सम कितना होगा हमेशा 180। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों में कितना होता है 180 होता है। अगर मैं ऐसे सी वाई टू और डी वाई टू की वैल्यू निकाल लूँ, क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, देखिए अगर यहाँ पर
सी वाई टू और डी वाई टू की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे, अगर मैं सी वाई टू और डी वाई टू की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए एंगल सी ओ डी बराबर क्या होगा 180 माइनस एंगल सी वाई टू माइनस एंगल डी वाई टू। मैं यहाँ पर रख देता हूँ, देखिए ये जगह आपका एंगल ए वाई टू प्लस एंगल बी वाई टू और सी वाई टू और डी वाई टू, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, देखिए इसकी जगह मैं ले सकता हूँ सी वाई टू प्लस एंगल डी वाई टू बराबर ले सकता हूँ मैं 180 माइनस एंगल सी ओ डी, ठीक है। तो ये लिखता हूँ मैं 180 माइनस का एंगल सी ओ डी बराबर आ गया 180। अब आप देखोगे 180 से 180 कट जाएगा और ये सी ओ डी चल जाएगा आपका राइट साइड में, तो सी ओ डी का मान कितना जाएगा आपका एंगल ए वाई टू प्लस एंगल बी वाई टू, ठीक है। आया कैसे वो मैंने आपको यहाँ प्रूव करके समझा दिए, बाकी ये आपको निष्कर्ष जो है आपका ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है आपका, कैसे आएगा क्वेश्चन देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसका। जैसे आपको दे देगा कि एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज दिया ए बी सी डी, ठीक है। उसमें आपसे कहेगा कि ए बी क्या है, इसके एंगल बाइसेक्टर है और एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं उसका नाम दिया उसने ओ, ठीक है। क्वेश्चन में देगा आपको एंगल ए, एंगल ए अगर आपको दे दिया कितना 30 डिग्री और एंगल बी दे दिया आपको कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान रखना आपसे पूछ सकता है ये सी और डी कितना होगा, तो ध्यान रखना 60 और 30, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको 60 और 30 ये कितना हो गया 90, ये कितना एंगल बताएगा आपका 90, ठीक है। तो एंगल सी एंगल ए ओ बी कैसे निकाल पाएंगे आप लोग, एंगल सी वाई टू प्लस एंगल डी वाई टू ये आपको पता है। अब आपको एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी है आपकी 90 है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी बटे दो, दो चल जाएगा इधर यानी कितना जाएगा आपका 180। तो एंगल सी प्लस एंगल डी इनका सम कितना जाएगा आपका 180, इन दोनों का सम कितना जाएगा आपका 180, ठीक है। तो याद रखना है हमेशा इन दोनों का जो सम होगा वो यहाँ पर कितना होगा इसका हाफ होगा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए चतुर्भुज के अंदर जितनी भी थ्योरी हो सकती है मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दी है, एक क्वाड्रेटर के अंदर जितनी भी थ्योरी हो सकती है कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको यहाँ करवा दी है, तो इसका आपको बार बार इसका रिवीजन करना है, ठीक है। आया कैसे और जितने भी इसके प्रूफ हो सकते हैं जितने भी इसकी थ्योरी हो सकती है कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको यहाँ पढ़ाई है, ठीक है। तो इसको आपको बार बार रिवीजन करना है, कल की क्लास के अंदर, कल की क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा चतुर्भुज क्या बोलते हैं आयत यानी कि रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे, आज मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज दे दी है आपको, ठीक है। तो इसको आपको रिवीजन करना है और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ इसको लाइक किया करो, ठीक है, कमेंट भी क्या करो लाइक किया करो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो थोड़ा जरूर किया करो आप, क्योंकि इससे क्या हम भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हमें लगे कि आगे वीडियो बनाएं हम भी, ठीक है। तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।